हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि सिस्टम को कैसे रिस्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट से। कई बार उसका होता है कि आपकी पावर ऑफ की जो की आप रिस्टार्ट की जो स्विच होती है वो ख़राब हो जाए। यहाँ पर मैं रिमोट पर ले लेता हूँ एक सिस्टम को, और बेड पावर ऑफ या रिसेट बटन के कारण वजह से आपका सिस्टम रिस्टार्ट नहीं हो रहा है, या सिस्टम हैंग हो गया हो, या कोई ओएस का इश्यू हो तो आपका सिस्टम रिस्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो यूजिंग सीएमडी आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड डाल के उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। एक ये बहुत ही मैजिक जैसा लगेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि कोई रिमोट सिस्टम को मैं रिमोट ले लेता हूँ, क्योंकि वो इसकी ये सिस्टम में मैं करूँगा तो ये वीडियो नहीं बन पाएगा, इसलिए ओके मैंने एक सिस्टम रिमोट पे ले लिया है। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम को भी रिमोट लेने के बाद हम रिस्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लॉग ऑफ का ही उसको ऑप्शन आता है। तो आप कैसे कर सकते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक टास्क रहेगा आपके लिए। और अगर आप कोई एज ए नेटवर्क इंजीनियर, सॉरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, या कोई हार्डवेयर इंजीनियर की जॉब करना चाहते हो कोई भी जगह, तो ये इश्यू आपको फेस करने को मिलेगा। और घर पे भी कई सारे ओएस का कोई इश्यू हो तो सिस्टम रिस्टार्ट नहीं हो पा रही है बटन से या कोई कमांड से, तो आप इजीली इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, रन मेनू ओपन करेंगे, जो मैंने अभी रिमोट सिस्टम ले लिया उसको। जी मेरा सर्वर है, सर्वर को रिस्टार्ट करना है मुझे, तो क्या करूँगा पहले उसका रन मेनू ओपन करूँगा। थोड़ा सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है। ओके, तो रन मेनू ओपन का विंडो आर कर से करके आप उसको रन मेनू ओपन कर सकते हो। ओके, मेरा सिस्टम फ्रेश हो गया है, अब हाल ही में स्टार्ट किया था इसलिए। रन मेनू में आप सीएमडी टाइप कीजिए, सीएमडी के बाद यहाँ पर शटडाउन माइनस आर लिखना है। माइनस आर का मतलब होता है रिस्टार्ट। ये एक आर होता है ना, जो वन टाइप ऑफ एक पैरामीटर है। सो पैरामीटर से वो शटडाउन में कई सारे पैरामीटर है, तो हम माइनस आर से ही उसको रिस्टार्ट करें। आप सेकंड सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगती। अब माइनस आर लिखने के बाद आप उसको एंटर कर दीजिए। फिर से मैंने ओपन किया सीएमडी, उसमें शट डाउन माइनस आर और एंटर कर दिया। जैसे एंटर करके आपको आपको यू हैव टू बी साइन आउट, यानी कि मतलब क्या होता है कि आपकी सिस्टम साइन आउट हो रही है और आपकी सिस्टम रिस्टार्ट हो रही है। अब क्या करेंगे हम कि एक कमांड पिंग चलाते हैं। जैसे ये कमांड डिसकनेक्ट होता है आपका सिस्टम, आपको समझ पा रहे होगे कि मेरा सिस्टम में वो रिक्वेस्ट आउट आउट का मैसेज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पिंग डाल दी है, मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस है ये। और क्योंकि आप टीटीएल सबको दिख रहा है 120/128, इसका मतलब कि अभी सिस्टम रनिंग है, रिस्टार्ट नहीं हुई है। तो जैसे ही आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी सिस्टम शटडाउन हो गई। ओके, देख सकते हैं आप सिस्टम मेरी शटडाउन हो गई है। और जैसे ही पिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी सिस्टम है वो स्टार्ट हो गई है। अभी डेस्टिनेशन नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि सिस्टम आपके उसमें नेटवर्क में आ गई है। अब नेटवर्क की सर्विस इनेबल होगी जैसे ही आपकी सिस्टम स्टार्ट होने जाएगी। ओके, देख सकते हैं हम कि हमारी सिस्टम अभी स्टार्ट हो गई। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।